हमारे अनंत ब्रह्मांड में वैसे तो करोड़ों ग्रह मौजूद है, कुछ के आकार अलग है तो कुछ के रंग, पर हमारे अंतरिक्ष में सैटर्न जैसे ग्रह भी मौजूद है जहां कई सौ किलोमीटर लंबे रिंग्स मौजूद है। दरअसल करीब 400 सालों पहले 1610 में वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई ने अपनी बनाई टेलीस्कोप से जब अंतरिक्ष में देखा तो उन्होंने जो देखा वो पहले किसी इंसान ने नहीं देखा था। तो आप देख रहे हैं साइफ्लेक्स टीवी और चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में मौजूद इन रहस्यमयी रिंग्स के बारे में। तो 1610 में जब गैलीलियो गैलीलेई ने उन रिंग्स को देखा तब खोज हुई सैटर्न ग्रह की, पर गैलीली द्वारा बनाई टेलीस्कोप इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो सैटर्न को ठीक से देख सके, इसलिए उनको सैटर्न के रिंग्स किसी ग्रह के दो कान जैसे लग रहे थे और ऐसे खोज हुई रिंग्स की। पर जैसे जैसे एडवांस टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ वैसे वैज्ञानिकों को पता लगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर भी रिंग्स थे, पर इन सब में सैटर्न के रिंग्स सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी ग्रह पर रिंग्स बनते कैसे हैं? तो आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी कई थ्योरीज हैं। जैसे कि लाखों सालों पहले जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तब ग्रह के पास मौजूद पार्टिकल्स तो ग्रेविटी की वजह से उस ग्रह का हिस्सा बन गए, पर जो पार्टिकल्स उस ग्रह की ग्रेविटी से दूर थे वो अंतरिक्ष में वैसे ही रह गए। पर बाद में कई सालों बाद जब उस ग्रह ने अपना आकार लिया तब उसकी ग्रेविटी भी बढ़ गई, जिससे उसके आसपास मौजूद ये पार्टिकल्स ग्रेविटी की खिंचाव से उसके आसपास घूमने लगे, जिससे उनको रिंग का आकार मिला। और इन रिंग्स का निर्माण अरबों आइस, डस्ट और रॉक्स के पीसेस से बना है। और अगर इनके आकार की बात करें तो ये 58,232 जितने चौड़े हैं वही 650 फीट मोटे हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कि ए रिंग, ये रिंग्स सैटर्न के सबसे बाहरी तरफ है जो सैटर्न के सबसे नजदीक स्थित है, जो 14,600 किलोमीटर जितने चौड़े होते हैं। वही बी रिंग, ऐसे रिंग्स होते हैं जो ए रिंग के अंदर होते हैं जो सैटर्न के सतह के करीब होते हैं, पर ये ए रिंग से ज्यादा चौड़े होते हैं, तकरीबन 25,500 किलोमीटर। ऐसे कई लेयर्स से सैटर्न के रिंग्स बने हैं। वही एक और थ्योरी के मुताबिक एक समय पर सैटर्न के पास दो मून्स थे जो अपने ऑर्बिट से भटके हुए थे, और जब ये आपस में टकरा गए तब उनके मलबे से सैटर्न के पास रिंग्स बन गए। और बाकी रिंग्स के मुकाबले सैटर्न के रिंग्स इसलिए खास है क्योंकि जिस पार्टिकल्स से सैटर्न के रिंग्स बने हैं उन पर सनलाइट पड़ते ही वो चमकने लगते हैं, जिनको आप धरती से भी आसानी से देख सकते हैं। वही यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के रिंग्स ज्यादातर कोल और चारकोल जैसे पार्टिकल्स से बने हैं, जिसकी वजह से वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, जिससे वो आसानी से नहीं दिखते। वही नासा के मुताबिक सैटर्न के रिंग्स तकरीबन 2,82,000 किलोमीटर तक फैले हैं, जिनको डी रिंग, सी रिंग, बी रिंग, ए रिंग, कसीनी डिवीजन, रोच डिवीजन, ऐसी कई कैटेगरीज में बांटा गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी दूरी तक फैले हुए इन रिंग्स की मोटाई 33 फीट 10 मीटर या ज्यादातर 1 किलोमीटर तक ही है। और वैसे तो सैटर्न के पास हजार से ज्यादा रिंग्स मौजूद है, पर 2009 में वैज्ञानिकों ने सैटर्न के सबसे बड़े रिंग को खोजा जिसको फीबी रिंग से जाना जाता है, और ये रिंग 12 मिलियन किलोमीटर तक फैले है जिसमें 7,000 सैटर्न ग्रह फिट हो सकते हैं। पर सैटर्न की अब तक की सबसे बड़ी रिंग होने के बावजूद इसकी मोटाई 5 से 15 मीटर तक ही है, जो सैटर्न से 60 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये रिंग ज्यादातर सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं, इस वजह से इसको देखना मुश्किल होता है, पर इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से इसको देखा जा सकता है। और ऐसे कुल 7 रिंग सैटर्न के पास आज भी साउंड की स्पीड से घूम रहे हैं, जिनकी हर एक की स्पीड अलग अलग होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न के इन रिंग्स में 90% जितना पानी भरा पड़ा है, क्योंकि इन रिंग्स में बड़ी मात्रा में आइस पार्टिकल्स है। इस तरह से करोड़ों अलग अलग तरह के पार्टिकल्स से सैटर्न के ये खूबसूरत रिंग्स बने हैं, जो माइक्रोमीटर से मीटर्स तक के साइज के हैं, जो सैटर्न को अब तक का सबसे खूबसूरत रिंग्स वाला प्लैनेट बनाते हैं। पर इसके बावजूद आज भी हमें इन रिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज कई मिशंस प्लान कर रही हैं, क्योंकि सैटर्न के रिंग्स को स्टडी करके हम अंतरिक्ष के उन रहस्यों को जान पाएंगे जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और क्या सच में दो चांद के टकराने से ये रिंग्स बने हैं या किसी और कारण से? और कई अरबों सालों पहले सैटर्न के पास पानी, डस्ट, पत्थर जैसा मलबा कहाँ से आया जिससे ये रिंग्स बने हैं? और इसी रहस्य को जानने के लिए नासा 2027 में अपना ड्रैगनफ्लाई स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है, जो सैटर्न के पास से गुजरेगा, जो सैटर्न के मून टाइटन को स्टडी करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सैटर्न के रिंग्स के बारे में जानने को मिला होगा।
तो जल्द मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। पर ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।